नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं, इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मनोकामना पूरी होने पर एक भक्त ने भगवान सांबलिया सेठ के लिए बनवाई 10 लाख की पोशाक। 4 किलो चांदी, 8 तोला सोना और नगीने से जड़ी ड्रेस 3 महीने में हुई तैयार। घर परिवार को चलाने के लिए 36 वर्षीय महिला ने चुनौतियों को पार करते हुए पेश की मिसाल। पटना की पहली महिला कैब ड्राइवर बनी अर्चना पांडे। स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने तैयार की मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। मस्तिष्क से रिकॉर्ड किए गए डेटा में छिपी हुई संरचना और जटिल जानकारी को बता सकता है ये एल्गोरिदम। बोलीविया के लापाज में दिव्यांग बच्चों के लिए हुई निशुल्क तैराकी पाठ्यक्रमों की शुरुआत। सांकेतिक भाषा के माध्यम से दी जा रही है मूक बधिर बच्चों को ट्रेनिंग। गुलशन देवैया और सयामी खेर की फिल्म 8 AM मेट्रो का ट्रेलर लॉन्च। 9 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राज आर के निर्देशन में बनी फिल्म। और सबसे पहले बात परंपरा और विरासत की। चित्तौड़गढ़ के सांबलिया सेठ मंदिर में एक भक्त ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर 10 लाख की पोशाक बनवाई है। चांदी, सोना और नगीने से लैस इस ड्रेस को 3 महीने में तैयार किया गया है। इस पोशाक को उदयपुर के एक सुनार ने बनाया है और जो इस काम को करने पर स्वयं को काफी भाग्यशाली मानता है। गढ़ के सांवरिया जी मंदिर में एक भक्त की मनोकामना पूरी होने पर उसने भगवान सांवलिया सेठ के लिए सोना, चांदी, हीरे मोती से जड़ी इस ड्रेस को बनवाया है। खास बात यह है कि इसमें 4 किलो शुद्ध चांदी, जिस पर 8 तोला करीब 24 कैरेट सोना और ऑस्ट्रेलियन नगीने लगाए गए हैं। पोशाक की चौड़ाई 32 इंच जबकि लंबाई 25 इंच है। इसमें मीनाकारी के काम के साथ फ्लावर्स लगाए गए हैं। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात से लैस इस पोशाक को बनाने में करीब 3 महीने से भी ज्यादा का समय लगा है। इस पोशाक को बनाने में पूरे ही सांवरिया सेठ का मार्गदर्शन रहा है, उनके ही सोच हमारे दिमाग में भर के और उनके विचार भर के और ये पोशाक पूरी बनाई गई है। इसको बनाने में लगभग 4 किलो चांदी लगी है और पूरा कलाकारी का काम हुआ है। इसमें अम्बिकन डायमंड वगैरह और मीनाकारी और बारीक काम करके इसको पूरी पोशाक को बनाई है। इसकी चौड़ाई लगभग 32 इंची है, ऊंचाई 25 इंची है और इसके अंदर भगवान का बागा, ढाल, तलवार, कुंडल, मुकुट, पीछे का आभामंडल चक्र, ऊपर का मोरपंख और कवच, छाती का कवच, ये पूरा मिलके पूरा श्रृंगार तैयार किया गया है। इसको बनाने में बहुत ही समय लगा लेकिन एक अद्भुत पूरी भगवान की पोशाक तैयार हुई है। खास बात यह है कि इस पोशाक को बनाने में किसी प्रकार की मशीनरी की सहायता नहीं ली गई है। विशेष तो इसके अंदर जो काम होता है ना, जो ये जो काम होता है ये पूरा हाथ से काम होता है। इसमें मशीनरी काम कुछ भी नहीं है। टोटल इसकी पूरी स्केचिंग बनती है, हाथ से पूरा ड्राइंग होता है, डिजाइन का ड्राइंग होकर वो ड्राइंग के हिसाब से चांदी के पतरे के ऊपर वो तैयार होती है और फिर उसको उभारा जाता है, फिर उसमें कटिंग किया जाता है, बारीक नक्काशी को, जालीवर को कटिंग किया जाता है और फिर उसको सबको पॉलिश होने के बाद में, सोना चढ़ने के बाद में फिर उसमें मीनाकारी होती है। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम सांवलिया जी को श्रद्धालु अपने व्यवसाय में पार्टनर बनाते हैं। जब उनकी मनोकामना पूरी होती है तो ईमानदारी से भगवान को उनके हिस्से की राशि पहुंचाने की भी मान्यता है। उसी के तहत नीमच के एक व्यवसायी ने ये पोशाक तैयार करवाई है लेकिन अपना नाम बताने से मना किया है। तो ये पोशाक बनाई भगवान सांवरिया सेठ की। ये पोशाक एक भक्त के मन्नत पूरी होने पर, नीमच का एक भक्त है जिनकी मन्नत पूरी होने पर उन्होंने हमें आर्डर दिया था और उनके आर्डर पे ये पूरी पोशाक बनाई है।
संजय वर्मा अपना सौभाग्य मानते हैं कि मनोकामना पूरी होने पर भक्त उनके पास इस तरह की भेंट तैयार कराने के लिए आते हैं। इससे पहले भी मैंने भगवान के दो पोशाकें और बनाई हैं और काफी मैंने आइटम बनाए, जैसे अफीम के पौधे जो भगवान को चढ़ते हैं, लहसुन चढ़ती है, और मशीनरियां बनाई है, वोल्वो कार चांदी की पूरी बनाई है, और काफी आइटम है, जैसे तुलसी का पौधा है, सोयाबीन का पौधा है, नारंगी का पौधा है, जो काश्तकार लोग उधर क्षेत्र के हैं वो सब उनको बोलते हैं, और फिर जैसी उनकी फसल होती है उस हिसाब से वो चांदी के आइटम बनवा के भगवान को भेंट करते हैं। अरे बहुत ही आनंद की बात है और कि उनकी कृपा एक ऐसे हम पे रही। आने वाले दिनों में भगवान सांवलिया सेठ की इस पोशाक को उन्हें पूरी विधि विधान और 56 भोग के साथ भेंट किए जाने की बात कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जहां चाह वहां रहा इस कहावत को सच साबित करती ये खबर देखते हैं। आज के दौर में ये कहना गलत नहीं होगा कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है, बल्कि बहुत से मामलों में तो वो लड़कों से भी आगे दिखाई देती हैं। आज लड़कियां हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, इसी बात का खुला उदाहरण पेश कर रही हैं बिहार की राजधानी पटना की पहली महिला कैब ड्राइवर अर्चना पांडे। सड़कों पर फर्राटे से कार ड्राइव करती 36 साल की अर्चना पांडे पटना में अनिसाबाद की रहने वाली हैं। चार बच्चों की मां अर्चना अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देख चुकी हैं, लेकिन कभी हार नहीं मानी। घर परिवार को चलाने के लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की, कई क्षेत्रों में हाथ आजमाए और अब पटना की पहली महिला कैब ड्राइवर बनकर सुर्खियां बटोर रही हैं। मैंने पहले फर्स्ट में बहुत सारे प्राइवेट जॉब किए थे, उसके बाद फिर मैंने अपना एक मसाला का बिजनेस स्टार्ट किया श्री व्यंजन नाम से, जो पैसों की कमी के कारण वो चल नहीं पाया तो उसको बंद करना पड़ा। उसके बाद फिर अपना मैंने और जो खबर अभी आ रही है जातीय जनगणना को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपना अपना एक तरह से आरोप प्रत्यारोप दावा करती रही हैं। पटना हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगाई है। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ शो करता है कि ट्रस्टी का जो डिसीजन है कि मिसयूज मनी का नहीं करना चाहिए, आपने एक तरह से इल विल से कहा कि 500 करोड़ रुपया कंटिजेंसी फंड से खर्च करेंगे जो अवैध है। इन सारी बातों को देखते हुए हाईकोर्ट ने इंट्रीम स्टे दिया कि ऑन गोइंग कास्ट बेस्ड सेंसस प्रोसीडिंग को रोक लगाइए और जो कलेक्शन डाटा किए हैं उसको प्रिजर्व रखिए, लीकेज नहीं हो, और इसकी सुनवाई 3/7/2023 को होगी। तो आप लोग का मेन पॉइंट जो था मिसयूज ऑफ मनी का था? नहीं, आपको पावर नहीं था, जिस तरह से आपने पॉलिसी बनाया वो असंवैधानिक था, और जो आपने कहा कि 500 करोड़ रुपया कंटिजेंसी फंड करेंगे वो भी असंवैधानिक था। तो नेक्स्ट हियरिंग इस पे है 3/7/23 को होगी। 3/7/23 को होगी। उनके तरफ से क्या दलील दिया गया? उनके तरफ से था कि बिहार सरकार को पावर है कि जाति आधारित जनगणना पर पटना बिहार सरकार ने जो प्रक्रिया शुरू की थी उस पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि ये असंवैधानिक है इस तरह का फैसला लेना नीति के तहत और इस तरह की जनगणना कराना। इस पर अगली सुनवाई भी होगी, लेकिन और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सलमान। सलमान, चाहेंगे कि एक बार आप भी बताएं कि ये पूरा मामला क्या था, हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई है, इस रोक लगाने के साथ साथ हाईकोर्ट ने और क्या क्या बातें कही है इस पूरे मामले पे, जिसमें एक तरह से फटकार भी बिहार सरकार को लगाई है। देखिए ऋतु, पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है जातीय जनगणना गणना पर, और हालांकि ये अंतरिम रोक है और राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की छूट भी दे दी है, और इस राज्य सरकार को उसने कहा भी है, हालांकि राज्य सरकार का तर्क ये है कि अगर हम जातीय गणना नहीं करेंगे तो हमें विकास कार्यों में मुश्किलें आएंगी और हमें सही स्थिति वस्तु स्थिति का पता नहीं होगा कि जातिवार जनसंख्या कितनी है और साथ ही साथ उनके विकास के लिए क्या करना है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि अभी आप 3 जुलाई तक अगली सुनवाई जब होगी इसकी तब तक के लिए आंकड़े इकट्ठा करना रोक दीजिए। मैं आपको बता दूं ऋतु कि ये दूसरा चरण है, पहले चरण में मकानों की गिनती हुई थी, अब दूसरे चरण में वास्तविक गणना हो रही है। लेकिन इसी बीच पटना हाई कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण निर्णय दिया है
कि अभी जब तक अगली सुनवाई नहीं होती है तब तक के लिए 3 जुलाई तक के लिए अंतरिम रोक रहेगी किसी भी तरह की जातिगत गणना पर। जी रितु जी, सलमान ये भी जानना चाहेंगे कि हाईकोर्ट ने जब बिहार सरकार पर यह सवाल उठाए कि ये असंवैधानिक है तो किन आधारों को लेकर ये कहा गया है? देखिए, उसने कहा कि कुछ काम केंद्र सरकार के होते हैं और जो एक व्यवस्था बनी हुई है उसके आधार पर इसे होना चाहिए था और काम उस ढंग से नहीं हुआ है जिस तरह से कि एक संवैधानिक रूप से काम वो होना चाहिए था। तो अभी जो राज्य सरकार है वो भी अपना डिफेंस तैयार जाहिर है कि करेगी और पटना हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अब बिहार सरकार जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। और फिलहाल तो अभी स्थिति यही है कि अगली सुनवाई तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी गई है जातिगत गणना पर। जी, ये भी जानना चाहेंगे सलमान की नीतीश सरकार लंबे समय से जातिगत ऐसे एक तरह से आपत्तियां उठी थी इस पूरी जनगणना को लेकर, क्या ये लगता है पटना हाईकोर्ट ने जिस तरह से असंवैधानिक बताया है इस पूरी प्रक्रिया को और उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है कि पहले और दो चरण में और इतने कम समय में कराई जा सके? जी, पटना हाई कोर्ट का तो ये कहना है ही कि इतने कम समय में और बहुत कैजुअली इस चीज को नहीं लिया जा सकता है क्योंकि ये गंभीर मामला है, गंभीर विषय है और इसपे पूरी योजनाबद्ध ढंग से तैयारी करके जनगणना होनी चाहिए और जो सामान्य जनगणना होती है उस तरह से हाई कोर्ट ने सवाल भी उठाया कि इस तरह से क्यों नहीं कराई जा रही है और फिर इस मामले को हल्के में लेने की बात कही कोर्ट ने। तो ये सारी चीजें हैं अभी और जो मैं आपको बता दूं रितु कि ये जो मामला था ये इसमें राजनीतिक पुट ज्यादा आ गया क्योंकि गैर भाजपा दल इस बात पर शुरू से जोर दे रहे हैं कि जाति गणना हो और ताकि जो सामाजिक आर्थिक विकास है पिछड़े और दबे कुछले लोगों का वो हो सके, ये उनका अपना तर्क है। सरकार ने हालांकि केंद्र सरकार को भी कई बार अप्रोच किया गया बिहार सरकार की तरफ से लेकिन कोई सकारात्मक जब कदम नहीं उठते दिखे तो इन्होंने अपने से जाति गणना शुरू कर दी। जी, तो ये मामला रहा है और अभी अब देखते हैं आगे 3 जुलाई को अगली सुनवाई में कोर्ट का रवैया क्या रहता है और फिर बिहार सरकार का अगला कदम क्या होता है ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि पूरी इस बात की संभावना है कि बिहार सरकार इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है। जी। बिल्कुल सलमान, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है। पिछले 3 दिनों से पटना हाईकोर्ट में इस मामले पे बहस चल रही थी, इसके बाद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान ये जो 3 दिन बहस चली, सलमान जानना जरूरी हो जाता है कि दोनों पक्षों की तरफ से आखिर दलीलें दी क्या गई थी क्योंकि ये बहस तो लगातार चल ही रही थी। अगर इसे असंवैधानिक कहा जा रहा था कोर्ट की तरफ से तो सरकार का पक्ष क्या था उस पर? सरकार बार बार यही कह रही है कि हमें जब योजनाएं बनानी है और एक जो हाइपोथेसिस है सरकार की कि उसमें जो विभिन्न जातियां हैं खासतौर से अनुसूचित वर्ग में जो जातियां आती हैं या आदिवासी में आती हैं उनकी संख्या जो एक्सट्रापोलेटेड नंबर्स हैं पिछली जनगणना के उससे कहीं ज्यादा है और वस्तु स्थिति जब तक हमें पता नहीं चलेगी कि कौन सी जाति किस मतलब उनकी संख्या कितनी है तब तक हमें योजनाएं बनाने में या उनको समुचित अधिकार देने में कठिनाई आ रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो लेकिन आप जानते हैं रितु कि ये मामला बहुत ज्यादा राजनीतिक रंग ले चुका है अब और राजनीतिक रंग ले चुका है सलमान, लेकिन क्या पटना बिहार सरकार के मंशा पे भी कहीं सवाल दिखाई दे रहा है जब इसे असंवैधानिक कह रहा है कोर्ट? दूसरा सवाल ये, आप ये कह रहे हैं कि बिहार सरकार हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन तथ्य है कि इसके पहले भी जातीय जनगणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिकाकर्ता
सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए गए थे। पटना हाईकोर्ट ने अब बिहार में जातीय जनगणना पर तत्काल रोक लगा दी है। 3 जुलाई को सुनवाई है। क्या इस बीच में अब ये विकल्प कि सुप्रीम कोर्ट जाने वाला, क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार के पास रहता है जब सुप्रीम कोर्ट एक बार पटना हाईकोर्ट की तरफ याचिकाकर्ता को रुक कर चुका है? देखिए, जैसे कानून के जानकार कहते हैं, ये रास्ता तो अभी भी खुला है क्योंकि हाईकोर्ट जाने को कहा सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन जाहिर सी बात है, ये एक ट्रेडिशन भी है कि अगर हाईकोर्ट से कोई विपरीत फैसला आता है तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पर दायर होती है। लेकिन अभी यहाँ मामला ये है कि अगली सुनवाई जो 3 जुलाई को कोर्ट ने निर्धारित की है तिथि, उसके बाद ही राज्य सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए, ऐसे कयास हैं। और जब अब कोर्ट का रुख 3 जुलाई को क्या रहता है और क्या, ये तो अंतरिम निर्णय है अभी रोक लगाने का, और फाइनल जो डिसीजन आता है कोर्ट का उसके बाद ही शायद राज्य सरकार आगे जाने का फैसला करे। और ये तो कानूनी लड़ाई है, अब ये हमें देखना होगा कि आगे राज्य सरकार का क्या कदम होता है और याचिकाकर्ता भी क्या कदम उठाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सलमान, ये अंतरिम आदेश है, 3 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। लेकिन कोर्ट ने बहुत साफ कहा चीफ जस्टिस ने कि तब तक के लिए अब तक हुई गणना के डेटा को सुरक्षित रखने के भी आदेश दिए गए हैं, तो उस पर किस तरह से एहतियात भी बरता जाएगा कि जो डेटा अभी तक जुटाया गया है उसका किसी तरह का दुरुपयोग, राजनीतिकरण या तमाम चीजें जो जुड़ी हैं, क्योंकि ये बड़ा ही संवेदनशील है जातीय जनगणना, और यही कारण है कि इसको लेके राजनीतिक पार्टियां भी अपने अपने सवाल और एक तरह से आरोप लगा रही थी, साथ ही साथ लोगों के बीच में भी इसको लेकर काफी बहस है। जी रितु, देखिए, अब डेटा प्राइवेसी और उसको सिक्योर करने का मामला ये राज्य सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ है, जो भी गणना हुई है, हालांकि ये बहुत प्रारंभिक चरण है क्योंकि अभी राज्य सरकार के पास भी अंतरिम डेटा ही है और वो भी अभी सेकेंड फेज की चूंकि शुरुआत हुई है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि काम 1/4 पूरा हुआ है या आधा पूरा हुआ है। पूरी गणना होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन फिर भी अब राज्य सरकार की ये बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस डेटा की प्राइवेसी को मेंटेन करे, उसको सिक्योर करे, ताकि उसका अगर वो लीकेज होता है तो कोई भी पक्ष इसका लाभ उठाने की स्थिति में हो सकता है। क्योंकि उस पर फिर जब राजनीति ही करनी है तो किसी भी तरफ से राजनीति हो सकती है, इसकी संभावनाएं हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन चूंकि अभी कोर्ट में विचाराधीन है मामला, तो सभी पक्ष इस बात से तो निश्चित रूप से डरेंगे कि कहीं अवमानना का सामना ना करना पड़े, तो ये अभी देखने ही वाली बात है कि क्या हो सकता है इस मामले में। हालांकि कोर्ट ने अपनी तरफ से कहा है कि अब तक जितना भी आपने कुछ किया है उसको सुरक्षित रखें, डेटा को लीक ना होने दें, तो ये अब राज्य सरकार पे ओनस आता है। जी रितु, जी सलमान, अखिलेश कुमार और अन्य की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ की सुनवाई के दौरान जो तथ्य और जो बातें सामने आई 3 दिन की लगातार बहस में, उनको भी आपके सामने रखना चाहेंगे। सुनवाई के दौरान पटना उच्च न्यायालय ने ये जानना चाहा कि जातियों के आधार पर गणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराना क्या कानूनी बाध्यता है। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि ये अधिकार राज्य सरकार के क्षेत्र अधिकार में आता है या नहीं। साथ ही कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि इससे निजता का उल्लंघन होगा क्या। इस पर क्या जवाब आपका है, क्योंकि 3 दिन की सुनवाई आप भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए होंगे? देखिए, ये तो अगर इसका पॉलिटिकल फायदा उठाना है तो कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है कि अभी सब कुछ तो उन कर्मचारियों से लेकर के जिन्होंने डोर टू डोर जाकर के डेटा कलेक्ट किया है और ऊपर के प्रशासन तक और फिर राज्य सरकार और फिर मुख्यमंत्री तक, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उस डेटा का जो लिया गया है उसका दुरुपयोग ना होने पाए। अब इसमें अगर कहीं से लीकेज होता है तो जाहिर है कि ये मामला अभी सब जुडिस है और कोर्ट इसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है अगर कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई।
तो इस मामले में तो अभी बड़ा संवेदनशील बन ही गया है ये कि अब ओनस पूरी तरह से राज्य सरकार के ऊपर है कि अगर कोर्ट ने कहा है कि डेटा की प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए, जो निजता है, आपने जो आंकड़े इकट्ठा किए हैं उसको सुरक्षित रखा जाए। जी सलमान, एक बार ये भी बताना चाहेंगे कि दीनू कुमार ने जो कि याचिका करता है उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जातियों की गणना और आर्थिक सर्वेक्षण करवा रही। उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक प्रावधानों के उलट यानी विपरीत है, ये अधिकार राज्य को है ही नहीं और ये सर्वे केंद्र सरकार ही करवा सकती है। आइए एक बार फिर देखते हैं कि इस बारे में याचिकाकर्ता दीनू कुमार का क्या कहना है। हम लोग जो लोक हित याचिका दायर किए थे उसे मुद्दा ये उठाए थे कि 6/6/22 को बिहार सरकार जो पॉलिसी चल रही है वह भारत के संविधान के विपरीत है। सेंसक एक्ट 1948 एंड कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स एक्ट 2008 के विपरीत है और बिहार सरकार को संविधान में कोई प्रावधान नहीं दिया कि आप कास्ट बेस्ड सर्वे कीजिएगा। हाईकोर्ट ने इंटरिम स्टे दिया कि ऑन गोइंग कास्ट बेस्ड सेंसस प्रोसीडिंग को रोक लगाइए और जो कलेक्शन डाटा किए हैं उसको प्रिजर्व रखिए, लीकेज नहीं हो और इसकी सुनवाई 3/7/2023 को होगी। तो ये आपने देखा याचिकाकर्ता दीनू कुमार ने बताया कि किस तरह से कोर्ट ने क्या क्या अपने आदेश में कहा है। और आज के दौर में कहना गलत नहीं होगा कि लड़कियां किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं है, बल्कि बहुत से मामलों में और बहुत क्षेत्रों में लड़कियां लड़कों से आगे हैं। यही एक बड़ी कहानी बताती है बिहार की पहली महिला कैब ड्राइवर की भी। सड़कों पर फर्राटे से कार ड्राइव करती 36 साल की अर्चना पांडे पटना में अनिसाबाद की रहने वाली हैं। चार बच्चों की मां अर्चना अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देख चुकी हैं, लेकिन कभी हार नहीं मानी। घर परिवार को चलाने के लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की, कई क्षेत्रों में हाथ आजमाए और अब पटना की पहली महिला कैब ड्राइवर बनकर सुर्खियां बटोर रही हैं। मैंने पहले फर्स्ट में बहुत सारे प्राइवेट जॉब किए थे, उसके बाद फिर मैंने अपना एक मसाला का बिजनेस स्टार्ट किया श्री व्यंजन नाम से, जो पैसों की कमी के कारण वो चल नहीं पाया तो उसको बंद करना पड़ा। उसके बाद फिर अपना मैंने एक गाड़ी खरीदी लोन पे और तब से हम गाड़ी चला रहे हैं। ओला उबर से भी टैग है और टूर एंड ट्रेवल से भी टैग है। अर्चना पांडे ने बैंक से लोन लेकर कार खरीदी और ड्राइविंग शुरू की। शुरू में जान पहचान के लोगों के लिए गाड़ी चलाती थी, धीरे धीरे लोगों से पहचान बनी तो ट्रैवल एजेंसी के लिए कैब चलाना शुरू किया। अर्चना अपने बचपन के शौक को पेशे के तौर पर अपनाकर अब काफी खुश हैं। कई राज्यों का सफर कर चुकी हैं, कहती हैं कि उनके काम को बहुत से लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नापसंद भी करते हैं, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करती। गाड़ी चलाना मेरा शौक रहा बचपन से, तो अपने शौक को ही अपना पेशा बना लिया हमने और इस गाड़ी से अभी तक हम बहुत से जगह जा चुके हैं, पूरे बिहार में जा चुके हैं, MP, UP, कलकत्ता, झारखंड। जो करने के लिए सोचेंगे कुछ अलग, सबसे हटके अलग करना चाहते हैं तो लोग तो बाधा बनेंगे ही, बहुत से ताना सुनना पड़ेगा, व्यंग सुनना पड़ेंगे, लेकिन उन सबको अनदेखा करते हुए आगे बढ़ना है। महिलाएं अर्चना के साथ यात्रा करने में सुरक्षित महसूस करती हैं। अर्चना भी अपनी जैसी अन्य महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि महिलाएं आगे आएं और आत्मनिर्भर बने। आगे अभी हम अपना एक ड्राइविंग सेंटर खोलने वाले हैं, जो महिलाएं इच्छुक हैं, जो अपने दम पे इस फील्ड में आना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो हम उनकी हेल्प, हाँ, ट्रेनिंग देंगे, सहायता करेंगे और हम उनके सपोर्ट में हैं, वो आए सीखे और अगर इस लाइन में आना है तो। अर्चना ने साबित कर दिया है कि बेटी बेटी कुछ नहीं होती, हर कदम पर चुनौतियों का मुकाबला करना अच्छी तरह से जानती हैं, बस उन्हें जरूरत है उनके हौसले को बढ़ावा दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और खबर हटकर में बस इतना ही, नमस्कार।